हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई एम सरिता पाटिल एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आई मॉडल पे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आई मॉडल डिस्कस करने वाले हाँ बट ये आई मॉडल थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें हम लोग प्रोडक्ट मार्केट यानी कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों का भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखते हैं जिसे जनरल इक्विलिब्रियम ऐसे भी कहा जाता है और इसीलिए ये वीडियो मैंने दो पार्ट में शूट किया है तो आज के इस पार्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और आयस कर का डेरिवेशन यानी कि गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एल एमकर का डेरिवेशन जिसे मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम ऐसे भी कहते हैं उसी पार्ट में हम लोग जनरल इक्विलिब्रियम का पॉइंट भी कम्पलीट करने वाले हैं तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए स्टूडेंट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि ये थेरी है आई एस एल ए मॉडल इट इज डेवलप बाय जे आर हिक्स इन 1937 सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना ही पड़ेगा इंट्रोडक्शन के लिए कि थेरी किसने डेवलप की जे आर हिक्स ने डेवलप की 1937 में डेवलप की देन इट इज एक्सटेंडेड मैथमेटिकली बाय हैंसन उसका जो मैथमेटिकल वर्जन है वही थियरी है बट उसको मैथमेटिकली एक्सटेंड किया एक्सप्लेन किया किसने एक्सप्लेन किया एंड इसीलिए जॉइंटली दिस थियरी इज कॉल्ड एज हिक्स हैंसन थियोरी कभी कभी आईएसएलएम ना बोलते हुए हिक्स हैंसन अगर कहा गया तो उसका मतलब क्या आईएसएलएम ही है तो ये थियरी है आईएसएलएम इसका लिटरली मीनिंग है वर्ड टू वर्ड मीनिंग जाता है क्या है आई आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एस फॉर सेविंग्स तो आई एंड एस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग की जो इक्वालिटी होती है तो वो होता है गुड्स मार्केट का जो तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम यह है आई इज इक्वल टू एस जो हम आज के इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं देन नेक्स्ट पार्ट आता है एल एम एल मीन्स मनी यानी कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विड पैसा कितना है तो मनी की डिमांड यानी कि लिक्विडिटी डिमांड एंड एम फॉर मनी सप्लाई तो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है मनी मार्केट में तो यहाँ पे एल इज इक्वस टू एम यानी कि डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी मीन्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम तो ये दो अलग अलग मार्केट है एक गुड्स मार्केट जिसे प्रोडक्ट मार्केट भी कहा जाता है दूसरा है मनी मार्केट तो दोनों मार्केट का एक सेपरेट इक्विलिब्रियम पहले हम लोग देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इनका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा आज के लेक्चर में ये वाला पार्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट हम लोग आई पार्ट टू में देखेंगे अभी आई क्या शो करता है इट शोज हाउ द गुड्स एंड मनी मार्केट इंटरैक्ट क्या शो करता है कि गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं भले ही हम लोग थियरी में सेपरेटली पढ़ते होंगे बट रियलिटी में क्या होता है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं उनका एक दूसरे से कनेक्शन होता है तो कैसे इंटरैक्ट करते हैं क्यों इंटरैक्ट करते हैं टू डिटरमाइन लेवल्स ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट दैट लीड टू इक्विलिब्रियम इन बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट एट द सेम टाइम मतलब ये क्यों इंटरैक्ट करते हैं कि जिससे एक ही साथ में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में डिटरमाइन होता है ये इकोनॉमी के लिए होता है किसका डिटर्मिनेशन होता है लेवल ऑफ इनकम का एंड इंटरेस्ट रेट का जिससे दोनों मार्केट गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट दोनों मार्केट एक ही साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं आई होप आपको ये समझा होगा फिर भी एक बार बता देती हूँ कि ये दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली होता है गुड्स मार्केट का एंड मनी मार्केट का और जब भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है तो इससे दो चीज़ें डिटरमाइन होती है एक चीज डिटरमाइन होती है वो है लेवल ऑफ इनकम एंड दूसरी है इंटरेस्ट रेट तो आपको अच्छे से क्या याद रखना है यहाँ पे कि मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट दोनों का एक साथ इक्विलिब्रियम होता है और उस इक्विलिब्रियम की वजह से लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है और जब ये डिटरमाइन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं आईएसएलएम का इक्विलिब्रियम आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जिसमें हम लोग देखेंगे कि आई एस कर्व कैसे डिराइव करना है स्टूडेंट्स अब देखते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जाम में आपको कभी कभी पूरा का पूरा आएस नहीं पूछते है आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम या फिर पूछा जाता है हाउ टू डिराइव आयस कर तो इसका आंसर आपका ये वाला पार्ट है कि आयसकर कैसे डिराइव करना है या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द स्लोप ऑफ आयस कर अगर आपको आयसकर का स्लोप भी पूछा जाता है तो स्लोप तो आप हार्डली हाफ पेज में कंप्लीट कर सकते हो तो जब आपको स्लोप भी पूछा जाएगा तो आपको ये पूरा लिखना है पहले आयस कर का डेरिवेशन लिखना है और फिर उसके बाद में स्लोप लिखना है कभी भी याद रखो क्योंकि आपको उसके ऊपर मार्क्स मिलने वाले होते हैं सेवन मार्क्स टेन मार्क्स तो उस मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है तो जितना पूछा है कभी कभी उससे ज्यादा लिखना पड़ता है ओके okay, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहता है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है पहले अब देखते गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है द गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल कब इक्विलिब्रियम होता है जब सेविंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं तभी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम होता है मीन सिंपली व्हेन आई इज इक्वल टू एस हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगा आई का मतलब इज इन्वेस्टमेंट एस का मतलब है सेविंग मतलब इसमें से देखो फर्स्ट सेविंग इज ए डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इनकम सेविंग इनकम का डायरेक्ट फंक्शन है मतलब क्या अगर इनकम बढ़ता है तो सेविंग बढ़ेगी अगर इनकम घटता है तो सेविंग घटेगी मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं so पे लिखा है फंक्शन ऑफ वाई शॉर्ट में लिख लेते हैं इनकम इंक्रीज होगा सेविंग्स विल इंक्रीज इनकम डिक्रीज होगा सेविंग्स विल ऑल्सो डिक्लाइन तो ये हो गया सेविंग के बारे में नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ एन इनवर्स फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट हमेशा इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड होती है आप देखो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट घट जाती है क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बैंक से बोराविंग महंगी हो जाएगी बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कौन भाई बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा नॉर्मली कोई नहीं करता है और इसीलिए ये इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स फंक्शन है मतलब सिंपल है अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोन महंगे हो जाएंगे लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग कम बोरो करेंगे और कम बोरो करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन दी अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली लोन सस्ते हो जाएंगे लोग ज़्यादा बोरो करेंगे और ज़्यादा बोरो करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसीलिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाती है कोर्स एट इक्विलीब्रियम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं तो इसमें हमें क्या देखना है देखो कि कर क्या शो करता है कर शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड लेवल्स ऑफ इनकम फॉर विच इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल सेविंग कर क्या शो करता है देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आए है एस डिपेंड है इनकम पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो आयसकर क्या शो करता है इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है जिस कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्वल है आई रिपीट आयस कर क्या शो करता है इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है जिस कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्वल है आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट हम लोग यही एक्सप्लेनेशन डायग्रामेटिकली देखते हैं ये डायग्राम हमें दो पार्ट में देखनी है डायग्राम के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं वाई एक्सिस पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑन एक्स एक्सिस हम लोग देखेंगे इनकम सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम ये वाला नीचे वाला जो पार्ट है वो है सेकेंड पार्ट उसमें हम लोग एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं इनकम ऑन वाई एक्सिस वी आर शोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देन यहाँ पे हमने एस कर्व ड्रॉ किया है ये एस कर्व का मतलब ही क्या ये है ये सेविंग कर सेविंग शो करता है ये कर्व अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटरसेप्ट कुछ लाइन कुछ जगह छोड़ी है एक्स एक्सिस पे उसके बाद सेविंग कर स्टार्ट किया है इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारा इनकम जीरो होता है हम लोग सेव तो नहीं करते बट हम लोग किसी और से पैसे लेके अब लोग कंज्यूम करते हैं हम लोग भूखे पेट नहीं रहते राइट फिर से बताती हूँ हमारा इनकम जब जीरो है तो हम लोग क्या करते हैं किसी से ना किसी से पैसे उधार लेते हैं एंड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है हमारा जो सेविंग है निगेटिव सेविंग दिखा रहा है सेविंग यहाँ पे क्या है जीरो या फिर इसके नीचे निगेटिव है तो इसीलिए हम लोग ने सेविंग कर यहाँ पे एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया है यहाँ पे एक्स एक्सिस के बाद देखो सेविंग कर अपवर्ड स्लोप कर रहा है और पॉजिटिव स्लोप कर रहा है क्योंकि जब भी हमारा इनकम इंक्रीज होता है सेविंग भी इंक्रीज होती है इसीलिए कर कैसा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोप कर रहा है देखो सपोज किसी भी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइव परसेंट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट है तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होती है तो सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आए देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नीचे के पार्ट में शो किया तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे फाइव ऐसे शो कर रहे हैं और ऊपर के इसमें हम लोग शो कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर हमारा है आई तो ये इन्वेस्टमेंट कर ई पॉइंट में सेविंग कर को इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब ई पॉइंट पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है एट पॉइंट ई सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मतलब गुड्स मार्केट इक्विलीब्रियम में है तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे तो यहाँ पे हमें इनकम मिलता है वाई ये हो गया हमें मिला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम अब हम लोग क्या करेंगे ये जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ये डायग्राम के सेकेंड पार्ट में लेते हैं ये हमारे पास इनकम वाई नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम लेवल ऑफ इनकम इज ओ वाई एंड इंटरेस्ट रेट इज फाइव परसेंट तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक पॉइंट मिलता है जिसे हम लोग नाम देते हैं बी पॉइंट तो बी पॉइंट हमें शो कर रहा है कि जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है तब इंटरेस्ट रेट क्या है एंड इनकम क्या है अब इस सिचुएशन में सपोज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट फाइव से सिक्स परसेंट हो गया और देखो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई तो यहाँ पे भी जब इंटरेस्ट रेट फाइव परसेंट से सिक्स परसेंट तक इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी और जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर आय नीचे शिफ्ट हो जाएगा इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट कर विल बी आई वन अब ये जो न्यू इन्वेस्टमेंट कर, कर, कर रहे आई वन वो सेविंग कर को ई वन पॉइंट में इंटरसेक कर रहा है तो अगेन ई वन पॉइंट पर इक्विली ब्रियम एस्टैब्लिश होता है गुड्स मार्केट का जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो ई वन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे जहाँ पर हमें इनकम लेवल मिल गई वाई वन नाउ ये वाई वन इनकम लेवल इक्विली ब्रियम इनकम लेवल है तो ये हम लोग डायग्राम के सेकेंड पार्ट में लेते हैं नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ डायग्राम वी है साथ डायग्राम के सेकेंड पार्ट पे हमें और एक पॉइंट मिलता है ए जो शो करता है कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है इंटरेस्ट रेट है सिक्स एंड लेवल ऑफ इनकम है वाई वन नाउ सपोज इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया फ्रॉम फाइव परसेंट टू फोर परसेंट देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो गया डिक्रीज हो गया जब भी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इंटरेस्ट रेट कम हो गया इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर्व है वो भी अपवर्ड शिफ्ट होगा अब न्यू इन्वेस्टमेंट कर्व है आई टू अब देखो ये जो आई टू इन्वेस्टमेंट कर्व है ये हमारे सेविंग कर्व को E2 पॉइंट में इंटरसेकट करता है तो ई पॉइंट में फिर से देखो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो फिर से गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें हमें मिली है तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मिलता है Y2. यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम लोग डायग्राम के सेकेंड पार्ट में लेते हैं तो सेकेंड पार्ट में देखो इक्विलिब्रियम इनकम वाई टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन फोर तो ये फोर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई टू लेवल ऑफ इनकम जब गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है हमें थर्ड पॉइंट देता है सी तो ये हो गया हमारा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पे हमें तीन पॉइंट मिले ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट हमें इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करते हैं जो कॉम्बिनेशन गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम डिनोट करते हैं जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से तीनों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करते तो हमें मिलता है आई एस कर और आयस कर भी हमें शो करता है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम आई होप आपको डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ द आई एस कर स्टूडेंट्स अब देखते हैं स्लोप ऑफ द आई एस कर आई कर का स्लोप इफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट द आई एस कर इज वेरी फ्लैट क्या कहा है इन्वेस्टमेंट इज वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज होता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज होगा आई रिपीट रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा चेंज होता है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंज होगा देन आयसकर विल बी वेरी फ्लैट सी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट विल डिक्लाइन बाय लार्जर अमाउंट यहाँ पे आएगा स्मॉल एंड यहाँ पे आएगा लार्ज ऑन दी अदर हैंड इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाय स्मॉलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज बाय अ लार्जर अमाउंट तो ये जब होता है मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेंसीटिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर तो so, ऐसे समय में आए आई एस कर बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है फॉर एग्जाम्पल इन दिस डाइग्राम सपोज एट ए पॉइंट वी हैव इंटरेस्ट आर एंड इन्वेस्टमेंट आई सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन होता है आर से आर वन तक यू कैन सी कि इंटरेस्ट रेट इतना सा डिक्रीज हो गया आर से आर वन तक लेकिन इन्वेस्टमेंट आई से आई वन तक इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई मतलब इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा चेंज होता है इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा चेंज होता है तो इसे कहते हैं कि आई स्कोर बहुत ज्यादा फ्लैट है एंड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है द सेकेंड कंडीशन इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट द आय कर स्टीप यहाँ पे उसके अपोजिट सिचुएशन है अब इन्वेस्टमेंट क्या है नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे अपोजिट सिचुएशन है फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लार्ज चेंज होता है तभी जाके इन्वेस्टमेंट में स्मॉल चेंज आएगा जस्ट रिमेंबर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जब जब इंक्रीज होगा तब इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिक्रीज होगी ऑन दी अदर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जब डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है नॉट वेरी सेंसिटिव टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और आयस कर कैसा देखो स्टीप इस सिचुएशन में अब यहाँ पे भी एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर एंड इन्वेस्टमेंट इज आई नो वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइंस फ्रॉम आर टू आर वन वी कैन सी इन्वेस्टमेंट हैव इनक्रीज फ्रॉम आई टू आर वन अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज बहुत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट का चेंज कंपेरेटिवली थोड़ा कम है तो ऐसी सिचुएशन में आई एस कर रिलेटिवली स्टीप होता है आई होप आपको आई एस कर का स्लोप अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट हम लोग देखते शिफ्ट ऑफ दी आई एस कर स्टूडेंट्स आएस कर्व में हम लोग ने देखा था कि अलग अलग कॉम्बिनेशन देखे थे इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के जिसमें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इक्वल होती है तो यहाँ पे इस डायग्राम में और एक बात हमें पता चलती है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट जैसे चेंज होता है ना इनकम चेंज होता है इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो इनकम डिक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होगा ये नॉर्मल सिचुएशन आइस कर्व की बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट तो कांस्टेंट है भाई बट इंटरेस्ट रेट के अलावा इनकम पे इफेक्ट करने वाले बाकी फैक्टर्स में चेंज होता है जैसे कि देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड करता है तो पैसे अल्टीमेटली लोगों के हाथ में जाते हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स जैसे रोड बनाया है या फिर ब्रिज बनाया है तो उसके ऊपर जो वर्कर्स काम करेंगे उनके हाथ में पैसा जाएगा मतलब कि गवर्नमेंट मनी स्पेंड करेगा बट अल्टीमेटली वो पैसा एज ए इनकम कॉमन लोगों के हाथ में जाता है इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी इकोनॉमी में सपोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट तो क्या होगा इनकम भी इंक्रीज होगा देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो इनकम भी इंक्रीज़ होगा इसका मतलब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनकम इंक्रीज़ होगा ऐसी सिचुएशन में आयस कर विल शिफ्ट टू द राइट आयस कर राइट को शिफ्ट होगा अब हमारा न्यू आई एस कर आएगा आई एस वन हम लोग देख सकते कि इंटरेस्ट रेट वही है आर और इस सेम इंटरेस्ट रेट में वी कैन सी नाउ इनकम है इंक्रीज फ्रॉम वाई टू आई वन तो ये सिचुएशन अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो इनकम भी डिक्रीज होगा ऐसी सिचुएशन में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनकम डिक्रीज होता है और इसलिए आई एस कर विल शिफ्ट टू द लेफ्ट तो इस सिचुएशन में न्यू आई एस कर आएगा हमारे पास आई एस टू एंड हम लोग देख सकते कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे ई टू पॉइंट में नव इनकम हैव डिक्लाइन फ्रॉम वाई टू वाई टू मतलब क्या होता है देखो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया इनकम भी डिक्रीज हो गया यहाँ पे वाई से वाई टू तक बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब सिंपल है रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा किसी भी अदर फैक्टर पे फैक्टर में यानी कि इनकम पे इफेक्ट करने वाले किसी भी अदर फैक्टर में चेंज आता है तो ऑब्वियसली आयस करेक्ट तो राइट right में शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी चेंज होती है देन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट चेंज होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है अगर ज्यादा प्रॉफिट दिखता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी प्रॉफिट कम दिखता है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी बट फिर भी देखो जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है इनकम विल ऑल्सो डिक्रीज तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है या फिर सेविंग्स सेविंग्स इंक्रीज होती है तो इनकम हमेशा डिक्रीज होगा ये कैसे होगा अगर सेविंग इंक्रीज होती है इसका मतलब लोग कम स्पेंड कर रहे हैं लोग कम स्पेंड कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो डिमांड कम होगी डिमांड कम होगी तो भाई सप्लाई भी कम होगा सप्लाई कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को काम से निकाला जाएगा लोगों को काम से निकाला जाएगा तो उनका इनकम डिक्रीज हो जाएगा ऑन दी अदर हैंड अगर सेविंग डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आगे जाके क्या होगा इनकम इंक्रीज होगा तो ये हो गया शिफ्ट इन द आई एस कर आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम जिसे डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व ऐसे भी कहा जाता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इन डिटेल स्टडी करेंगे इसी के साथ हम लोग फाइनल इक्विलिब्रियम जो है आई का वो भी नेक्स्ट पार्ट में विद डायग्राम देखेंगे तो वो पार्ट भी आप जरूर देखना अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट असेंड टू द कमेंट सेक्शन आपने इक्व को, को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू इक्वस एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलती रहेगी ऑल्सो फॉलोस ऑन द इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक थैंक यू एंड टेक केयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आई मॉडल पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की थी तो आज की इस वीडियो में, में वही टॉपिक का यार मत <गणतों>